बट मैं जो गया था सबसे बड़ा झूला पर, उस पर गया था भाई, सबसे बड़ा झूला जो है वो मैं उस पर ही गया था। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा था उस झूला पर, लेकिन मैं 5 से 7 मिनट तक झूला था और उसके बाद मैं उतर गया था। और ये रहा भाई भूतघर, जो कि मैंने बताया था। ये भूतघर तो भैया रात में इतना ज़्यादा इसमें आवाज़ें हो रही थी कि समझ लो कि मैं ही डर रहा था। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो वापसी से मैं आ चुका हूँ इस मेले में, जो कि ये एंट्री गेट थे, फर्स्ट जो गेट होते हैं वो थे। और जो मैं रात में यहाँ पर आया था, काफ़ी घूमा था बट पूरा मैं घूम नहीं पाया और पूरा को मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। मैं सोचा हूँ कि थोड़ा सा जो बच गया था तो वो अभी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि ये पीछे मेरे, जो कि यहाँ पर पार्ट्स वार्ट्स चलते हैं, और यहाँ पे 3-4 ऐसे ये भी लगा रखा पर्दा, जो कि यहाँ पे जो ये ब्लूसा है, ये ब्लूसा जो बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर पर्दे हैं और ये पर्दे पर सब कुछ दिखाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे पार्ट यहाँ पर चलते रहते हैं। और जाके यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैदान है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेले का मतलब सीन है, झूला वगैरह, नाव बड़े बड़े से, और वो क्या कहते हैं, सर्कस वगैरह का, डांस वांस बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर। बट अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है, लेकिन मैं सोचा कि चलो यार खाली बैठा था तो मैं चलो यहीं पर एक बार और शूट कर लिया जाए, जो कि रात में मैं यहाँ पर बनाया था तो सही नहीं बन पाया था। बट अभी यहाँ पर ज़्यादा आदमी तो नहीं है, बहुत ही कम आदमी है, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और जो सबसे मेन है भाई यहाँ का, तो मुझे ये लगा है जो लाल किला की तरह यहाँ पर बना के रखा है, और लाल किला की तरह बना के रखा है, बिल्कुल बेहतरीन करके सजा के रखा है। और जो इस साइड में है, इस साइड में झूला है, बाकी सर्कस वगैरह, डांस वांस का, जोकर वगैरह, बहुत सारा आइटम है। और ये जो है मैदान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि यूँ समझ लो कि अगर घूमें तो पूरा मैं 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना बड़ा मैदान है। और जाके मैं रात में जो आया था उधर झूला था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा, जो इस मैदान का सबसे बड़ा झूला इस मेला का, उस पर गया था। बट वो जो वीडियो थोड़ा रॉन्ग हो गया था, इसलिए क्योंकि उसमें आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ पाया था, और मैंने नोटिस नहीं किया इस बात को कि आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट मैंने जब लास्ट में देखा वीडियो बना के, तो आवाज़ क्लियर आ ही नहीं रहा था। और मैं अभी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और जो अभी मैं आया हूँ, तो आप जैसे कि यहाँ पे दिखाऊंगा, तो मैं रात में आया था तो यहाँ पर मुझे मना कर दिया था भाई साहब आने के लिए, कि भाई आप यहाँ पर नहीं आ सकते। पता नहीं क्यों मना कर दिया था, वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं आने दिया था, जो कि ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे आने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, नहीं कोई है, बस थोड़ा सा आदमी है यहाँ पर जो इधर उधर टहल रहे हैं, मतलब मेले का ही है वो आदमी, इधर उधर टहल रहे हैं। मेरे से पूछा था कि भाई कहाँ जा रहा है, बोला भाई थोड़ा सा मुझे घूमना है, इधर उधर वीडियो शूट करना है, उसके बाद मैं वापसी चला जाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, जाके शूट कर ले। जैसे कि ये पे देख रहे हो, ये है भाई मेन, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, और काफ़ी बड़ा भी है, यहाँ पर पर्दा वगैरह भी है, 3 पर्दा लगाया गया है। और इधर का ये है थोड़ा सा, काफ़ी जो शानदार बना रखा है मेला, काफ़ी एडवेंचर है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, अच्छा है। मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है, 2-4 भी फ़ोटो वोटो भी है, आप देख लो इसको। हो सकता है भाई केजरीवाल भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और जाके दूसरे मैदान पे जो लग रहे हैं, वहाँ पे कुछ सिंगर वगैरह, कुछ बॉलीवुड स्टार वगैरह भी आ रहे हैं, कोई हीरो वगैरह, वहाँ पर पोस्टर वोस्टर भी लग रहा है। बट मैं आपको अगली वीडियो में मैं वो दिखाऊँगा, जो वहाँ पर कौन कौन आने वाले हैं और किसका किसका फ़ोटो लगा हुआ है। अभी तो मैं जब यहाँ पर रात में आया था तो अच्छा खासा नहीं हो पाया था काम, तो मैं सोचा चलो एक बार दिन में ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर, और जो मैंने देखा था उसको थोड़ा सा आपको भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो आया था भाई, यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा था, इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ली हो रहा था कि मैं कल वीडियो यहाँ पर शूट ही नहीं कर पाया। और ये रहा जो कि मैं फर्स्ट तो गया था, वह उस वाले बड़े वाले झूला पर जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर गया था फर्स्ट में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा था भाई, मैं पहली बार गया था उस पर। और ये रहा भाई जिसमें हम गए थे, जो वो डांस वगैरह चल रहा था,
छोटे से भी आदमी थे, तो वो है ये सीन, इसके अंदर ही गए थे। बट अभी वहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं सब, अपना अपना खाना वाना है, मतलब इंजॉय कर रहे हैं। बट अभी यहाँ पर कोई ख़ास लोग तो है नहीं, काफ़ी बड़ा मैदान भी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे झूले वगैरह, काफ़ी एडवेंचर हो रहा है। और आपको मैं रात में भी दिखाऊंगा कुछ सीन आगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा आया हूँ इसलिए, क्योंकि रात का जो मैंने शूट किया था वो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था। और ये पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है मामला। और यहाँ पर जो है झूले वगैरह, नाव है, बड़े से झूले हैं, और जाके सर्कट में मतलब कि यहाँ भूत घर भी है, और कई ऐसे छोटे छोटे गाड़ियों है जो बच्चे बच्चे घूमते हैं। बहुत बड़ा मेला है, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भाई थिएटर चलता है, डांस वगैरह चलता है, यहाँ पर थिएटर है, लड़कियों से डांस वांस करवाया जाता है, काफ़ी एडवेंचर है। मतलब कि मेला मैं आया था तो फ़िलहाल दो या तीन जगह पर घूमा था। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो ये मेला है, ये हो गया आपका वो जो होता है ट्रेन हो गया, और जाके इधर का जो साइड हो गया, ये हो गया भाई झूला जो गोल गोल सा घूमता है। इस पर मैं घूमा नहीं था क्योंकि इसमें मेरे को चक्कर आने लग जाता है, बट मैं जो गया था सबसे बड़ा झूला पर, उस पर गया था भाई, सबसे बड़ा झूला जो है वो मैं उस पर ही गया था, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा था उस झूला पर। लेकिन मैं 5 से 7 मिनट तक झूला था और उसके बाद मैं उतर गया था। और हाँ भाई, रात में मेरे साथ सीन डल गया ये कि मैं पूरा वीडियो शूट कर लिया, और शूट करने के बाद जब मैं जाके देखा वहाँ पर, तो यार आवाज़ क्लियर किसी में आया ही नहीं, बट इतना ज़्यादा साउंड आया बैकग्राउंड का कि भाई आवाज़ को तो पता ही नहीं चल रहा आवाज़ आखिर आया है कि नहीं आया है। तो वो वीडियो तो मेरा हो गया फ्लॉप। मैं सोचा हूँ कि अब यहाँ पर शाम में आऊँगा, जब यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लग जाएगी, जब इन लोग स्टार्ट हो जाएगा, तो एक बार आपको और दिखा देंगे। और जाके जो उधर का जो पल्ली साइड का, जहाँ पे मैंने सुना है कि ये आने वाले हैं हीरो वगैरह, तो वहाँ पर जाके आपको थोड़ा सा शूट करके दिखाएंगे, और वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या होने वाला है वो भी दिखाएंगे। और ये सबसे बड़ा झूला जिस पर भाई मेरा तो ऐसी तैसी हो गया था, यही है वो झूला जिस पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं झेल लिया था, पहली बार था पर मैंने झेल लिया था, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था ये, लेकिन मैंने कर लिया था। और यहाँ पे हैं छोटे छोटे से झूले जो कि आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे कोई ख़ास आदमी तो है नहीं अभी, बस जो बताया था ना आपको मेला के जो आदमी है वही है। और जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत वो नाव वाव जो बच्चे बच्चे खेलते हैं पानी वगैरह में, उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। और रही सवाल इसमें, तो भूत घर भी है, बहुत घर वो पल्ली साइड को है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लोर करूँगा तो पूरा ही दिखाऊँगा आपको। अब यहाँ पे भाई देख रहे हो टिलारी आ गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत होता है पब्लिकों को, तो इन्होंने सोचा कि भाई पानी ही घेर दे, मतलब मिट्टी घेर दे, जो मिट्टी घेरने के बाद जो भी यहाँ पर पानी है वो सब इसमें समा जाएगा, और उसके बाद जो है कोई कीचड़ नहीं होगा और किसी को गंदगी नहीं लगेगा। और ये रहा भाई मेरा सबसे बड़ा झूला जिस पर मैं गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा झूला भाई मैं इस पर गया था रात में, काफ़ी डर भी लगा था, बट 7 मिनट या 6 मिनट ऐसे ही कुछ झूला था। लेकिन इस पर जो मैंने वीडियो शूट किया था उसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आया था, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, 9:30 बजे के करीब था, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से वो वीडियो मेरा फ्लॉप हो गया। थोड़ा बहुत ही वीडियो मैंने उसको कट करके डाला है, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं, बट इतना अमेजिंग नहीं है वो, क्योंकि आवाज़ ही जब समझ सकते हो कि आवाज़ ही जब नहीं आया तो उसमें क्या दिखा होगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा अच्छा स्मूथ करके दिखा दे। और भाई मैं सबसे परेशान जिस चीज़ से हुआ था इस मेले के अंदर, तो भाई वो है भूत घर, इतना ज़्यादा आवाज़ भाई साहब, इतना ज़्यादा कि मैं परेशान हो गया था इससे, इतना ज़्यादा भयानक चिल्ला रहा था। और ये गाड़ी वगैरह छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर घूमते हैं, मतलब कि घूमाते हैं बच्चे को, वो छोटा छोटा सा है। और रही सवाल, तो यहाँ पर ये है जो एंजॉय करने के लिए काफ़ी बेहतरीन भी, अच्छे भी है, मज़ेदार है। और ये कि मेला जो है काफ़ी बड़ा है, मैं पूरा घूमूँ कि नहीं घूमूँ, बट शाम में मैं आपको एक बार फिर से इस मेले का नज़ारा दिखा दूँगा कि ये मेला आखिर दिखता कैसा है। और दिखता कैसा, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बट जो आने का ये था मेहनत, लगता है कि वो हो जाएगा। और ये रहा भाई भूत घर, जो कि मैंने बताया था, ये भूत घर तो भैया रात में इतना ज़्यादा इसमें आवाज़ें हो रही थी कि समझ लो कि मैं ही डर रहा था, इतना ज़्यादा भयानक भयानक इसमें से आवाज़ें निकल रही थी। और ये
इसी के वजह से ज़्यादातर मेरा वीडियो में साउंड आया, जिसके वजह से वीडियो को मैं सही से एडिट नहीं कर पाया और आवाज़ इतना ज़्यादा था कि कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। तो हाँ, लेकिन मैं यहाँ से जब गया था तो एक चीज़ हुआ मेरे साथ, ये हुआ कि भाई जब मैं यहाँ से रूम गया तो वहाँ पे मालूम चला कि जो भाई थे मेरे, थोड़ा सा वो चिल्लाने लगे थे। वो इसलिए कि मैं इतना देर से मेहनत जो किया था इस मेले को एक्सप्लोर करने में, दिखाने में, तो वो मेरा सारा फ्लॉप हो चुका था। अब ये रहा, मैं एंट्री गेट पे वापसी से आ चुका हूँ, जो कि इधर से मैं अभी गया था, अब एंट्री गेट पर आ चुका हूँ। अब जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ हो रहा है भाई काफ़ी तगड़ा धूप, तो इस धूप में ब्लॉग शूट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं आया था क्योंकि रात में जो था वो वीडियो फ्लॉप हो गया था आवाज़ की वजह से, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। उसके बाद मैं सुना उधर भी एक मेला लग रहा है छोटा सा, जिसमें कि कोई स्टार वगैरह आने वाले हैं कोई बॉलीवुड के, और ये रहा मेरा एंट्री गेट जिससे मैं अभी घुसा था। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ।